पांच राज्यों के एग्जिट पोल आए सामने। कई राज्यों में कांग्रेस की लहर, भाजपाइयों की उड़ी नींद। बताते चले कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के जरिए अनुमान लगाया जाएगा कि इन पांच राज्यों में किसकी सरकार बनने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बाजी मारेंगे या कमल की सरकार बनेगी, इसका अंदाजा लगाया जाएगा। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज। तेलंगाना और मिजोरम में सत्ता किसके पास जा सकती है, इसका भी अनुमान इन एग्जिट पोल के जरिए लगाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान में TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। राजस्थान में TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 106 से 110 और कांग्रेस को 90 से 100 सीटें और BSP को कोई सीट न मिलने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस को 62 से 85 सीटें, तो वही आपको बता दें कि BSP को कोई सीटें न मिलने की बात कही गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जन की बात के जरिए एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 123 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और BSP प्लस को कोई सीट न मिलने के आसार बताए गए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो नैया है वो इस समय डगमगाती हुई नजर आ रही है जन की बात के अनुसार। TV9 भारतवर्ष की बात करें पोलिस्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर। मध्य प्रदेश में TV9 भारतवर्ष पोलिस्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस को यहां बीजेपी से ज्यादा यानी कि 111 से 121 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है तो BSP को कोई सीट मिलने के अनुमान नहीं बताए गए हैं। रिपब्लिक TV मैचवाइज के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को सीटें ज्यादा मिल रही हैं। इसी के साथ मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 7 नवंबर को मतदान हुआ था। मिजोरम में विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 78.04% मतदान दर्ज किया गया है। मिजोरम में फिलहाल मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री जोरम थंगा है। मिजोरम विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए 21 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 7 नवंबर को मतदान हुआ था और मिजोरम में 78.04% मतदान दर्ज किया गया। कुछ ही पलों में जारी होंगे एग्जिट पोल के पांच राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, इनके अनुमान को लेकर अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल ही आपको बता दें कि जिसमें जारी किए गए हैं और कांग्रेस को भी बढ़त मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। फिलहाल आगे क्या होगा और 3 दिसंबर को असली रिजल्ट पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।